सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। होती जीत सत्य की और असत्य की हार, यही संदेश देता है दशहरे का त्योहार। उठो प्रत्येक नए दिन में उज्जवल अवसर देखने के लिए, नए सिरे से शुरू करो। यह मुमकिन ही नहीं कि सब तुम्हें प्यार करे। उस रंगीन चिड़िया की तरफ देखो जो कि किसी का मन मोहती है और ठीक उसी वक्त एक दूसरा देखता है उसे शिकार की तरह। हो आपके लाइफ में खुशियों का मेला, कभी न आए कोई झमेला। सदा सुखी रही आपका बसेरा, विश यू हैप्पी दशहरा। आज का पंचांग 25 अक्टूबर 2020, दिन रविवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, सुबह 7:42 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 4:23 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 4:24 से 5:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 3:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। कुंभ राशि 25 अक्टूबर 2020, दिन रविवार, आपकी कोई ऐसी निजी घटना है जो आपको रोके हुए है और आपकी तरक्की के राह में बाधा बन रही है। अगर आप खुद को गंभीर मुसीबतों से बचाना चाहते हैं तो इन मुद्दों को सुलझा लें। अपने रिश्तों के महत्व समझने की कोशिश करें। अपने प्रयासों को रिश्तों की अहमियत देखकर ही निर्धारित करें। लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कार्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी। सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे जिससे कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे, परंतु उनकी यह साजिश विफल रहेगी, इसीलिए चिंता ना करें। काम को दिए वक्त पर पूरा करना आज आपके लिए चुनौती हो सकता है, लेकिन हर चुनौती का सामना करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। परिवार संबंधित कुछ कार्यों को ध्यान देना होगा जो आपके काम की योजना में बदलाव ला सकता है। दिन भर इरिटेशन महसूस हो सकता है, फिर भी अधिकतर कामों में आपको प्रगति दिखेगी। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशियां मनाई जा सकती है। पार्टनर की तरफ से दूरियां मिटाने की कोशिश की जाएगी। त्वचा संबंधित विकार थोड़ी मात्रा में सता सकते हैं। सावधानियां, घर के वरिष्ठ तथा बुजुर्ग लोगों की सलाह पर अवश्य ध्यान दें। आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है जो कि भविष्य में बेहतरीन फायदेमंद साबित होगी, परंतु अपने मन को संयमित रखें तथा ईगो को अपने हावी ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, परंतु विवाहित लोग किसी दूसरे संबंध से दूर रहें, अन्यथा आपके घर में क्लेश हो सकता है। आज आप भावनात्मक रूप से आक्रामक मूड में हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम या बात आपकी भावनाओं को भड़का दे और आप ऐसे प्रतिक्रिया दे बैठे जिसका कोई तुक ना बनता हो। आज आप छोटी छोटी खुशियों और किसी की सहायता को भी बड़ी बात मानेंगे। आपके पार्टनर को भी आपकी सॉफ्ट साइड दिखाई देगी। वैसे इस मूड में आप कभी कभार ही होते हैं, इससे आपका पार्टनर आश्चर्य तो होगा
लेकिन संबंध में मजबूती ही आएगी। बात करते हैं करियर की। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है, हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है। लेकिन यह ठीक है, काम से एक दिन की छुट्टी लें और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और कार्यस्थल पर प्रबंधन आपकी काम से प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। व्यापार में आज ग्रह स्थिति आपके लिए विशेष रूप से बेहतरीन समय प्रदान कर रही है, परंतु इनका उपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। नौकरी में भी आपकी उचित कार्य क्षमता के बल पर आपकी पदोन्नति भी सुनिश्चित होगी। बात करते हैं सेहत की। अपने अतिरिक्त वजन को घटाने की योजना बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। आप पिछले कुछ समय से अपने बढ़ते हुए वजन के बारे में चिंता करते आ रही हैं। आज आप आखिरकार इसकी शुरुआत के लिए कोई कदम उठाने में कामयाब रहेंगे। आपका संकल्प दृढ़ है तथा आप आत्मविश्वास से भरे हैं। आप कम ही समय में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगी। आज का उपाय, आज अब गरीबों को 10 चीजों का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।